जय हिंद दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में मैं आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश ने भारत के छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए मांग रखी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम भी इसी टॉपिक को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि इस छठी अनुसूची के तहत जो हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश है, जो एक चोटी पर का एक राज्य है जिसको लेके चीन भी काफी एग्रेसिव बना रहता है, तो आइए हम देखेंगे कि इस राज्य ने क्या कारण था कि छठी अनुसूची में शामिल होने का एक मांग रखी है और इस मांग के पीछे क्या कारण है। तो अभी फिलहाल जो अरुणाचल प्रदेश में है, इनर लाइन परमिट, यही फिलहाल वर्तमान में जो अभी वहां पे लागू है, इनर परमिट लाइन अभी वहां चल रहा है। तो यदि हमारे देश में किसी को भी अगर वहां जाना है तो वहां के प्रशासन से हमें परमिट लेना पड़ेगा। तो इसके तहत अभी फिलहाल जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, इसी कानून के तहत अभी वहां पे चल रहा है, लेकिन ना वहां पे पांचवी अनुसूची लागू है ना ही छठी अनुसूची। तो आइए हम देखते हैं कि इस बेसिकली ये क्या सूची है और हमारे संविधान में इस कब लाई गई थी इसको, यानी हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो आइए हम एकदम डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारे संविधान में यह प्रावधान 204 अनुसूची यानी आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 के तहत इसको अनुसूची बनाई गई है। और इसके लिए जो भारतीय संविधान में एक समिति गठित की थी, वो समिति का नाम था बारबो लोई समिति। इस समिति के रिकमेंडेशन से जो भी प्रस्ताव इस समिति ने दिए, इसके आधार पे ये सूचियां बनाई गई है, पांचवी और छठी अनुसूची भारतीय संविधान में इसको जगह दी गई है। और ये सूची अनुसूची किसके लिए विशेष प्रावधान करती है, तो ये जनजातियों के लिए, जनजाति के विकासों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है और ये जनजातीय प्रदेशों का अच्छा से विकास हो सके, इस वजह से ये अनुसूची में इसको रखा गया है। तो आइए हम समझते हैं कि कौन से अनुसूची में, यानी पांचवी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, तो हम इसको समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि छठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश क्यों मांग कर रहा है। जैसे कि पांचवी अनुसूची जो है, जैसे बेसिकली कुछ अधिकार जो होते हैं जनजातीय समुदायों के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए, जो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन छठी अनुसूची में कुछ विशेष प्रावधान मिल जाते हैं, उसके जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, वहां के रूल रेगुलेशन को लेकर, तमाम तरह की चीजें जो होती है उसे एक विशेष दर्जा मिल जाता है छठी अनुसूची को लेकर। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश अभी छठी अनुसूची में हमारा भी नाम शामिल किया जाए, ताकि वहां से केंद्र की जो अभी वहां पे ज्यादा वर्चस्व बना हुआ है और केंद्र की वहां उनके स्टेट का यानी अरुणाचल प्रदेश की वहां पे स्वायत्त संस्थाएं द्वारा वहां का रूल एंड रेगुलेशन लागू हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे लागू हो, इसलिए अरुणाचल प्रदेश ने अभी फिलहाल इसकी मांग रखी है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य छठी अनुसूची में है, कौन से राज्य पांचवी अनुसूची में है। तो छठी अनुसूची में मात्र 4 राज्य हैं, वह राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो है छठी अनुसूची में आते हैं और इसके तहत इसमें 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले दिए गए हैं ऑटोनोमस काउंसिल करके, इनको 10 स्वायत्त बॉडी बनाई गई है। इनमें एक मुख्य रूप से हम देखेंगे आगे इसमें इसके संरचना कैसी होती है, क्या होती है, किसकी नियुक्ति कौन करता है, ये तमाम तरह आगे हम इसमें देखने वाले हैं। और जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में जो यानी राज्य आते हैं, इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा, ये राज्य इसमें शामिल हैं पांचवी अनुसूची के तहत, यानी आर्टिकल
371 के तहत यानी इसे शामिल किया जाता है। और नागालैंड एक ऐसा विशेष राज्य है जिसपे आर्टिकल 371 ए लागू होता है, जो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। जब हमारे देश ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था, उस समय ये पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, इनको भी बड़ा भय सा लग गया था कि क्या अब हमारा भी जो हमें विशेष दर्जा दिया गया है, क्या ये हटा लिया जाएगा। तो ये काफी सदमे में आ गए थे, विशेष करके नागालैंड। नागालैंड भी एक हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, जैसे कि हमारे जहां पहले कॉलोनियल राज्य हुआ करता अंग्रेजों का, स्वतंत्रता के बाद हमने उस पर अपना हमारा प्रशासन, हमारे जो संविधान के रूल रेगुलेशन वहां पे अभी राष्ट्रपति थ्रू लागू किए गए हैं। तो वहां शुरू से ही यानी उन लोग ऑटोनोम यानी स्वतंत्रता स्वायत्तता की मांग होती है। वहां पे उनका एक अलग संविधान है, अलग फ्लैग है, और वो अपने ऑटोनोमस के तहत अपना राज्य चलाते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, उस पर भी हमें ध्यान एक विशेष रूप से देना चाहिए। हमारी भारत सरकार उसके साथ हमेशा डायलॉग में लगी रहती है नागालैंड के साथ, तो उसके भी अधिकार क्या है, किस किस बारे में उसको विशेष प्रावधान दिया गया है, ये भी हम देखने वाले हैं आगे। लेकिन अभी हमने देखा कि छठी अनुसूची में चार राज्य हैं, कौन कौन से हैं, चार राज्य है वो, जो पहली है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और 10 राज्य हैं पांचवी अनुसूची में, उसको भी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कैसे इसकी नियंत्रण कैसे होता है, ऑटोनोमस कैसे, किस तहत इसको ऑटोनोमस की दर्जा दिया गया है। अब इस पे राज्यपाल का जो नियंत्रण होता है, बेसिकली जो इस पे रूल जो होता है, राज्यपाल के अनुमोदन के द्वारा ही इसे रूल किया जाता है, जो इनको जो दर्जा दिया गया है एक स्वायत्तता का, ऑटोनोमस का। तो इस पे राज्यपाल की जब तक अनुमति नहीं होगी, राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये कुछ रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। जैसे कि पांचवी जो अनुसूची है, पांचवी अनुसूची के तहत एक विशेष जो अधिकारों की एक मांग होती है, लेकिन छठी अनुसूची जो है उसमें जनजातीय क्षेत्रों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है। और इसीलिए जब पांचवी अनुसूची की बात आती है तो राज्यपाल द्वारा वहां पे जो वहां की संरचना है, जैसे 20 मेंबर नॉमिनेट 20 मेंबर होते हैं 20, उसमें से 20 मेंबर को जो राज्यपाल क्या करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं और जो छठी अनुसूची में 30 मेंबर की बॉडी होती है, यानी 30 सदस्य होते हैं इसमें, और इसमें से जो चार सदस्य को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, और बचे हुए जो 26 सदस्य हैं, इनका चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है, और एक डेमोक्रेसी सिस्टम द्वारा इस पे रूल किया जाता है। तो ये बहुत एक डिफरेंस हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि राज्यपाल 30 लोगों की बॉडी में 4 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और जो 26 लोग होते हैं वो चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं, और पूरे उस तरह से उस काउंसिल पे उनका अधिकार होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद के तौर पे हम बोडोलैंड को देख सकते हैं कि बोडोलैंड की जो संख्या है, यानी ऑटोनोमस काउंसिल में जो संख्या है उसकी 46 है, तो ये एक अपवाद के रूप में हमें ध्यान रखना है, ये अपवाद भी है इसमें। तो राज्यपाल इस पे किस तरह से अपना वर्चस्व चलाते हैं, जैसे कि राज्यपाल को ये अधिकार मिल जाता है कि उनके जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं, सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि वहां के जो कुछ कानून है बिना राज्यपाल के सहमति के बिना या राष्ट्रपति के सहमति के बिना उसमें वो उसके सहमति के बिना वो नहीं कर सकते, यानी राज्यपाल की सहमति लेना आवश्यक हो जाता है, और इनडायरेक्टली राज्यपाल की थ्रू उसको रूल यानी उनके ऊपर कंट्रोल बना रहता है।
अब देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। अब नागालैंड के जैसे कि स्वायत्त बॉडी दी गई है, तो अब इस स्वायत्त बॉडी के लिए जैसे कि विधायी अधिकार हो गए, न्यायिक अधिकार हो गए और कार्यकारी अधिकार हो गए, ये तीनों अधिकार इनके दायरे में आ जाता है। इन स्वायत्त इस सारी चीजों पे ये क्या कानून बना के अपना जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन वहां पे लागू करते हैं। तो ये भी एक विशेष बात हो जाती है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्वायत्त जो काउंसिल बनाई गई है, तो इस काउंसिल में हमारे जो संविधान के जो रूल एंड रेगुलेशन है, हमारे संविधान के कुछ बातें यहाँ पे लागू नहीं होती है जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुमति के बिना हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम नागालैंड में चलते हैं, नागालैंड के जो हमारे जब संसद या विधानसभा की जो भी कानून रूल रेगुलेशन यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन्हें जो ऑटोनोमस जो दर्जा दिया गया है 371A के तहत, तो ये इसको मना करता है कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा इसमें कोई अनुमोदन न हो या फिर उनकी सहमति न हो, तब तक हम अपने भारतीय संविधान की यहाँ पे बातें लागू नहीं कर सकते। अब देखिए कि जैसे नागालैंड हो गया, नागालैंड में जैसे वहां के धार्मिक जो उनके धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक है सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक रीति रिवाज, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आती है इसमें कि उनके जो परंपरा है, नागाओं की जो परंपरा शुरू से ही चली आ रही है बहुत लंबे समय से, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये आती है कि वहां पे जैसे कि वहां के जो जमीन संपत्ति जो वहां के उनके मूल निवासी जैसे आदिवासी, जैसे हम देखते हैं कि आदिवासी बार बार अपने जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई करते रहते हैं, तो उसी तरह से ये नागालैंड के जो समुदाय है, नागा समुदाय है, तो इनको ये अपने जमीन पे अधिकार मानते हैं, संसाधनों पे इनका ही वर्चस्व है। यहाँ पे अगर हम चाहे कि अपने भारतीय संविधान के अनुसार इनमें कुछ बदलाव करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसे जब ऑटोनोमस दर्जा दे के रखा है। जैसे यहाँ पे इनका एक अलग से संविधान है और इनका एक झंडा भी है। तो जैसे हम देखे इसके पहले जैसे हमारे कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ भी अभी बनी हुई है। मीन्स उतनी एग्रेसिव हम नहीं कर सकते हैं, भारत के डायलॉग चल रहे हैं, जैसे कि हो सके आने वाले समय में ये भी दर्जा इनका खत्म कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि इसके संरचना में हम देखा कि 30 लोगों की बॉडी होती है, 30 लोगों की बॉडी इसे गवर्नर यहाँ का सिस्टम रन करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये 10 स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मेघालय में कौन कौन सी संस्थाएं, ये तो आइए देखते हैं। खासी गारो जैतिया जो हिल्स है, इसे ये तीनों एक स्वायत्त बॉडी के रूप में, यहाँ की जो जनजातियां हैं ये खासी गारो और जैतिया, इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पूछा भी है बहुत सारे एग्जामों में। तो ये क्या है कि ये आदिवासी समुदायों का नाम है, जनजातीय समुदाय का नाम है, इसी के नाम से इसे स्वायत्त बॉडी का दर्जा दिया गया है। अब चलिए हम चलते हैं मिजोरम में, तो मिजोरम में हमें देखने को मिलती है समुदाय वहां भी मिलता है, जैसे कि चकमा, लाई और मारा, तो ये तीन समुदाय के नाम से वहां पे, यानी उनको भी एक ऑटोनोमस यहाँ पे तीन हमें देखने को मिलता है, जैसे तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी बनाई गई है मिजोरम में। उसके बाद आते हैं हम आसाम में है जो दीमा हसारो, दूसरी है कर्बी एंग्लोंग और तीसरी है बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में जो है त्रिपुरा में, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के नाम से इसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना गया। तो ये 10 जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट है इसे याद रखना जरूरी है, और एग्जाम के दृष्टि से भी हमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्जाम में, चाहे पीटी में हो या फिर मेंस में जब हम लिखेंगे, तो हम अगर ये सारे चीजों को उल्लेख करेंगे तो हमारा आंसर एक प्रभावी दिखेगा। और अब बात आती है कि जो हमारे 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं, हम इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे।
और ट्राइबल जो समुदाय होता है, जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय, इसमें क्या भेद होता है, इसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने देखा है कि छठी अनुसूची में अगर अरुणाचल प्रदेश को दर्जा मिल जाता है तो अरुणाचल प्रदेश भी अपने जो वहां के जनजातीय समुदाय है उनके ऊपर भी जो काफी समय उनको काफी उनको भी एक अच्छी बोल सकते हैं कि उनको भी एक अपने स्टेट में एक अलग दर्जा मिल जाएगा और एक अलग से जो उनको पावर जो मिलती है ये 371 के तहत। तो जो छठी अनुसूची में जो इम्पावरमेंट करने के लिए जैसे जनजातियों के विकास के लिए जो हमें योजनाएं इसके द्वारा चलाई जाती है जो अधिकार मिलते हैं वो उनको मिल जाएगा। तो इस अधिकार को लेकर अभी हम देखना बाकी है कि अभी हमारी भारत सरकार इसको ये दर्जा देती है या नहीं। मैं भी इसको दर्जा मिल जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि वहां पे जो जनजातीय समुदाय है उसके डेवलपमेंट के लिए ये देना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझा तो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।